हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम फ्रेजल वर्ब्स विच आर रिलेटेड टू क्लोदिंग। जैसे हम कपड़े पहनने के लिए यूज़ करते हैं, उस तरह के वर्ड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो द फर्स्ट फ्रेज इज डू अप। डू अप योर कोट, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। डू अप हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे बटन बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। डू अप योर कोट, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। अपने कोट के बटन बंद करो, वरना तुम्हें ठंड लगेगी। नेक्स्ट इज डू अप योर सीट बेल्ट। डू अप योर सीट बेल्ट मतलब अपनी सीट बेल्ट लगा लो। इन दिस केस ऑल्सो यू कैन यूज डू अप। नेक्स्ट फेज इज ड्रेस अप। ड्रेस अप वी आर गोइंग टू अ पार्टी। जैसे हम अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर कहीं जाते हैं पार्टी या फंक्शन में जाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम पार्टी या फंक्शन में रेगुलर क्लोथ्स पहन के जाएंगे, थोड़ा डिफरेंट अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उस टाइम पर बोलते हैं तैयार हो जाओ, हम एक पार्टी में जा रही हैं। ड्रेस अप, वी आर गोइंग टू अ पार्टी। नेक्स्ट एग्जांपल इज तुम्हें मॉल जाने के लिए तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, जीन्स और टी शर्ट सही है। यू डोंट नीड टू ड्रेस अप टू गो टू द मॉल, अ जीन्स एंड टी शर्ट आर जस्ट फाइन। नेक्स्ट फ्रेज इज पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स जैसे हम कपड़े को पहनने के लिए यूज़ करते हैं पुट ऑन। पुट ऑन योर जैकेट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। अपनी जैकेट पहन लो, बाहर बहुत ठंड है। नेक्स्ट इज पुट ऑन माई हैट। मेरा हैट पहन लो। पुट ऑन लाइक हम लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए भी करते हैं, पुट ऑन लिपस्टिक, या फिर हम बोलते हैं उसने लिपस्टिक लगाई, शी पुट ऑन लिपस्टिक। नेक्स्ट फेज इज किक ऑफ। किक ऑफ फ्रेंड्स, यू नो बचपन में हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हम स्कूल से आते हैं और जस्ट अपने शूज उतार कर फेंक देते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव टू गो समवेयर। हमें कहीं जाना होता है जल्दी से, तो हम शूज़ फेंक देते हैं। तो हिंदी में जो हम जूते फेंकने का होता है, इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं किक ऑफ। शी किक्ड ऑफ हर शूज़ एज सून एज शी एंटर्ड द हाउस। उसने घर में घुसते ही जूते उतार कर फेंके। शी किक्ड ऑफ हर शूज़ एज सून एज शी एंटर्ड द हाउस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।